वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमान बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रतिवेदन लेखन यानी रिपोर्टिंग, जो हो चुका है उसके बारे में विवरण देना ही प्रतिवेदन लेखन कहलाता है, यानी रिपोर्टिंग कहलाती है। इसको लिखना आसान नहीं होता। जब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नहीं जानेंगे तो हमारे लिए रिपोर्ट राइटिंग लिखना बहुत मुश्किल है। यदि हमने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लिया है, समझ लिया है, तो हमारे लिए रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, यानी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना सिखाऊंगी। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? शीर्षक। शीर्षक यानी टाइटल। टाइटल को हमें ध्यान पूर्वक चुनना चाहिए। विषय यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को भी हमें ध्यान पूर्वक चुनना चाहिए। उसके बाद में प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखते समय हमें ध्यान पूर्वक लिखनी चाहिए। उसके बाद में आता है विषय विश्लेषण। विषय विश्लेषण को विस्तार के रूप में लिखा जाता है, यानी किस किस ने सहायता की, किस किस से हमने मदद ली है, तो उसका विवरण देना इसमें होता है। उसके बाद में आती है समाप्ति। समाप्ति को संक्षिप्त शब्दों में लिखा जाता है। उसके बाद में आता है प्रतिवेदक, जिसने भी ये लिखा है उसका नाम, उसकी उपाधि और उसके सिग्नेचर। प्रतिवेदन को बॉक्स में लिखा जाता है, एक स्क्वायर बॉक्स में इसको लिखा जाता है। तो इन बिंदुओं को यदि ध्यान में रखा जाए तो आपके लिए प्रतिवेदन लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक प्रतिवेदन दिखाती हूँ। प्रतिवेदन सरकारी स्तर पर, विद्यालय स्तर पर होते हैं। सरकार के द्वारा अनेक एजेंसियां नियुक्त की जाती है, जो वर्ष भर, अर्धवार्षिक, मासिक स्तर, पाक्षिक स्तर पर कार्य करती है और अपनी रिपोर्ट उन्हें देती है। वैसे ही विद्यालय में भी वर्ष भर कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता है, तो एक उसकी भी रिपोर्ट होती है। विद्यालय स्तर पर, विद्यालय में वर्ष भर में अनेक गतिविधियाँ होती है, जिनकी जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से संचालक को दी जाती है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा इसे समझाऊंगी। जैसे अब सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेंगे और उसमें क्या लिखेंगे? शीर्षक। शीर्षक यानी टाइटल या टॉपिक, विषय। विद्यालय में संपन्न वार्षिक उत्सव के संबंध में क्या है हमारा टॉपिक? विद्यालय में संपन्न वार्षिक उत्सव के संबंध में। प्रस्तावना। प्रस्तावना को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, 27 जुलाई 2019 को स्कूल के सभागार में साय 6:30 बजे से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक श्री के लाल के साथ उपराष्ट्रपति महोदय ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब फिर विषय विश्लेषण, उसमें क्या क्या हुआ? कार्यक्रम साय 6:30 बजे से आरंभ होकर रात्रि 10 बजे तक चला। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख थे। अब आप चाहें तो सारे का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ब्यौरा दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी। इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले माह से आरंभ हो गई थी। कब से आरंभ हो गई थी वो भी लिखना है। इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले माह से आरंभ हो गई थी। लाइट और साउंड का आयोजन भारी था, बाकी सब कुछ विद्यालय ने अपने स्तर पर किया। जैसे अब आप उसका भी ब्यौरा दे सकते हैं। समाप्ति। अभिभावकों ने कार्यक्रम की बहुत सराहना की, सभागार करतल ध्वनियों से गुंजायमान रहा। अब क्या लिखेंगे? प्रतिवेदक, सचिव, स्पर्श पत्रिका। तो इस प्रकार से हम प्रतिवेदन लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। शीर्षक लिखने के बाद में हम उसके बारे में, शीर्षक में क्या लिखेंगे? विद्यालय में संपन्न वार्षिक उत्सव के संबंध में, ये हमने शीर्षक लिख दिया। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? डेट, 27 जुलाई 2019 को स्कूल के सभागार में साय 6:30 बजे से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक श्री के एल लाल के साथ उपराष्ट्रपति महोदय ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चीफ गेस्ट कौन थे उनके बारे में बताना। विषय विश्लेषण यानी प्रमुख तथ्यों का उद्घाटन, जो मेन मेन पॉइंट है उनका उद्घाटन करना है हमें। कार्यक्रम साय 6:30 बजे से आरंभ होकर रात्रि 10 बजे तक चला। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख थे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रविंद्र संगीत था,
कवि सम्मेलन था। इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले माह से आरंभ हो गई थी। लाइट और साउंड का आयोजन बाहरी था, बाकी सब कुछ विद्यालय ने अपने स्तर पर किया, जैसे आप लिख सकते हैं। समाप्ति, इसका समापन कैसे करेंगे? अभिभावकों ने कार्यक्रम की बहुत सराहना की। सभागार करतल ध्वनियों से गुंजायमान रहा, यानी तालियां बजती रही। अब फिर लिख देंगे यहाँ पे प्रतिवेदक सचिव स्पर्श पत्रिका। कुछ स्कूलों में ये यहाँ इस साइड में लिखाया जाता है, तो आप अपने स्कूल के फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। अब हम अगला लेते हैं। अब हम प्रतिवेदन का दूसरा रूप देखते हैं, यानी इस टाइप से भी आप प्रतिवेदन लिख सकते हैं। शेर प्रजाति को बचाने हेतु किड्स फॉर टाइगर कार्यक्रम का आयोजन 25 फरवरी को विद्यालय के नेताजी सभागृह में किया गया। इसमें राज्य के अन्य विद्यालयों से अध्यापकों एवं छात्रों को भी आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर शर्मा, प्रधानाध्यापक, चेयरमैन का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर शर्मा ने अपने भाषण में प्रकृति चक्र को, यानी नेचर साइकिल को समझाया, जिसमें पेड़ पौधों के अतिरिक्त पशु पक्षियों की उपयोगिता को भी बताया गया। उन्होंने बताया कि शेर, चीते, बाघ बचेंगे तो वन बचेंगे और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। समापन भाषण में चेयरमैन श्री अशोक प्रधान ने विद्यालय में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का भी ब्यौरा दिया और किड्स फॉर टाइगर समिति की प्रमुख श्रीमती रीमा को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने दूसरे विद्यालयों से आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रतिवेदक सचिव किड्स फॉर टाइगर। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। अब हम इसे पुनः पढ़ते हैं। शेर प्रजाति को, इसको इकहरे चिन्ह में लेना है, को बचाने हेतु किड्स फॉर टाइगर, इसको भी इकहरे चिन्ह में लिखना है। कार्यक्रम का आयोजन 25 फरवरी को विद्यालय के नेता जी सभागार में किया गया, तो डेट भी मेंशन करनी है और जगह भी मेंशन करनी है। क्या है हमारी जगह? नेताजी सभागार, और डेट भी लिखनी अति आवश्यक होती है। इसमें राज्य के अन्य विद्यालयों से अध्यापकों एवं छात्रों को भी आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट प्रोफेसर शर्मा, प्रधानाध्यापक, चेयरमैन का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर शर्मा ने अपने भाषण में प्रकृति चक्र को समझाया, जिसमें पेड़ पौधों के अतिरिक्त पशु पक्षियों की उपयोगिता को भी बताया गया। उन्होंने बताया कि शेर, चीते, बाघ बचेंगे तो वन बचेंगे और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। फिर हमें एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में समापन भाषण में चेयरमैन श्री अशोक प्रधान ने विद्यालय में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया और किड्स फॉर टाइगर समिति की प्रमुख श्रीमती रीमा को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने दूसरे विद्यालयों से आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रतिवेदक सचिव किड्स फॉर टाइगर, ये इस साइड भी लिखाया जाता है, तो आप अपने स्कूल के फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग लिखना उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास से होती है विद्या सरल। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, मैं यथासम्भव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी अपनाइए मत शर्माइए। हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।